हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट पे। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सबको पता है, कल से हमने सू डायनेस्टी को स्टार्ट किया है, यानी शेरशाह सूरी को हम पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने गाइस एक बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शेरशाह सूरी का प्रशासन, शेरशाह सूरी का प्रशासनिक जो व्यवस्था है, शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हम पढ़ेंगे। उसके अलावा गाइस, उसने कौन कौन से सिक्के यहाँ पे जारी किए, ठीक है, उसका ट्रेड किसके साथ साथ में था, कैसा ट्रेड हुआ करता था, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी कुल मिला के आप देखो मोटा मोटा तो शेरशाह सूरी यानी सू डायनेस्टी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं गाइस, वो भी हम अभी करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। तो बेसिकली आज हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज दोनों आज आपके होने वाले हैं, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज दोनों अभी हम कवर अप करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज करेंगे। पहले तो हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो बेसिकली उसको हम कवर अप करेंगे, देन उसके बाद में इससे रिलेटेड आपके कुछ पीवाईक्यूज हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं, उसको मैं आपको करवाऊंगा। इससे पहले गाइज एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। फटाफट से एक बार आप सब लोग इसको शेयर कीजिए जिससे ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। तो शुरू करते हैं एंड वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग गाइज। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है गाइज। उसके बाद में जैसा कि आप सबको पता है, परसों से यानी 15 जुलाई से आपकी जो प्राइसेस हैं गाइज वो बढ़ने वाली हैं। तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है थोड़ा सा जल्दी लीजिए आप। आप अगर 6 महीने का लेते हैं तो गाइज आपको 2 मंथ का यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा। 12 मंथ का लेंगे तो भी आपको 2 मंथ का यहाँ से एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कि आप 12 मंथ का लेंगे तो 2 मंथ का एक्स्ट्रा यहाँ से मिलेगा। 6 मंथ के लेंगे तो भी 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा। और रेफरल कोड है मेरा शिव10, और इस रेफरल कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। यानी 13,750 फीस है वो हो जाएगी 12,375। इसी तरह से गाइज जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा भी यहां से मिल जाएगा। रेफरल कोड आपको कैपिटल में शिव10 अप्लाई करना है, यहां भी शिव10। उसके बाद में गाइस आपको बेनिफिट्स क्या होंगे प्लस और आइकॉनिक के, जैसे कि आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, SOPs एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटीरियल, ये सब आपको मिलता है इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बैच कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं गाइज, तो आप सब लोग इनको ज्वाइन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें कंप्लीट Paper 1 एंड Paper 2 आपको मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद में ये हमारी स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल है, तो आप इन स्पेशल क्लासेस को भी ऑन द रेगुलर बेसिस आप सब लोग ज्वाइन कीजिए, ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, हम यानी परसों से आपका एक नया बैच है, एक नई सीरीज है गाइज जो यूट्यूब पर आपकी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसको टारगेट करेंगे। एक होलिस्टिक रिवीजन सीरीज है जो आपकी चलेगी इसमें। सो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमने क्या किया था गाइस। देखो, कल हमने शेरशाह सूरी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है गाइस। एक बेसिक परिचय होता है उसको मैंने कंप्लीट करवाया था गाइस, कि वो कहाँ से आया था, उसके बचपन के नाम क्या थे, उसके फादर कहाँ के जागीरदार थे, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सो शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको हम कवर अप करेंगे गाइस, ठीक है। उसके जो कोयंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उसका जो ट्रेड सिस्टम है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले एक रफ बता देता हूँ कि उसका जो प्रशासन था आपका, उसका जो प्रशासन है गाइस वो किस प्रकार से था। तो सबसे पहले तो आप देखिए, जो शेरशाह सूरी ने कोई नई चीज़ लागू नहीं की थी गाइस। बेसिकली शेरशाह सूरी कौन था आपका, एक सुधारक था। शेरशाह सूरी एक सुधारक के रूप में ज़्यादा प्रचलित है गाइस। उसने प्रशासनिक व्यवस्था का क्या किया था, सुधार किया था। पहली चीज तो जब हम बात करते हैं प्रशासन की,
तो शेर शाह सूरी का जो प्रशासन था गाइस वो केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था, केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। अब केंद्रीय प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन का मतलब जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसका हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जिसको बोलते हैं। तो ये था आपका शेर शाह सूरी का मेन आउटलाइन। इसके बाद में आप देखते हैं कि गाइस जो प्रशासन था वो बेसिकली आप देखोगे तो वो आपका सूबा या इक्ता में डिवाइडेड था गाइस, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता था, इक्ता, या इसको हम बोल सकते हैं सूबा, ठीक है, सूबे। और बेसिकली यहाँ पे जो केंद्रीय प्रशासन था, ऐसा बताया जाता है शेर शाह सूरी के टाइम पे, ये 47 सरकारों में डिवाइडेड था सरकार। अब सरकार का मतलब क्या है गाइस, यहां से सूबा ही है आपका सूबा, तो यहां पे 47 सूबों में ही डिवाइडेड था। एक चीज याद रखनी, सबसे बड़ा जो सूबा हुआ करता था उस टाइम पे वो कौन था, बंगाल सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा सूबा कौन सा था, बंगाल था आपका गाइस। इस चीज को बहुत अच्छे से आपको याद रख लेना है गाइस। उसके बाद हमने बात की कि 47 सरकारें या सूबों में वो डिवाइडेड हुआ करता था। सूबों का मतलब क्या होता है, जिला बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। सूबे का मतलब क्या है गाइस, सूबे का मतलब आपका क्या है, जिले से ही है, यानी डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं गाइस, डिस्ट्रिक्ट, ये चीज याद रखिए। अब सबसे बड़ा हमने बात कर लिया कि सूबा कौन सा था, बंगाल। अब इस सबसे बड़ा बंगाल को हमने क्यों बोला है, क्योंकि बंगाल कितने सूबों में विभक्त था, 19 सरकार अकेले बंगाल के अंदर आती थी गाइस, तो प्लीज इसको याद रखना है। जो मैं 47 की बात कर रहा हूँ इसमें अकेले बंगाल में आपकी 19 सरकारें आती थी, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा आपका ये बंगाल वाला। अब देखो इस सरकार को जो चलाने वाले अधिकारी होते थे, सरकार के अधिकारी, मैं एक आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ गाइस, सरकार के जो अधिकारी होते थे वो दो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जिसका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। कौन कौन से होते थे, दो, एक तो है सिकदार ए सिकदाश, उसके बाद में है आपके मुंसिफ ए मुंसिफान। ये याद रखना है गाइज, ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सरकार को जो चलाने वाले दो मुख्य अधिकारी थे वो कौन थे, सिकदार ए सिकदास, एक है मुंसिफ ए मुंसिफान। याद रखो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, केंद्रीय प्रशासन होता था, केंद्रीय प्रशासन इकता और सूबों में डिवाइडेड होता था, टोटल आपके 47 सरकार थे, और सबसे बड़ा जो सूबा होता था वो बंगाल था। बंगाल क्यों था, क्योंकि अकेले बंगाल में 19 सरकार आपकी आती थी गाइस। उसके बाद में सरकार के जो अधिकारी थे, बेसिकली सरकार के जो अधिकारी थे उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिकदार ए सिकदास, एक मुंसिफ ए मुंसिफान। उसके बाद में हमने बात किया कि प्रशासन की जब हम बात करें तो गाइस सबसे पहले तो हमने बात किया सरकार, सरकार के नीचे आपका आता था गाइस परगना, परगना, और परगना के नीचे आता था आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। सरकार के नीचे क्या आता था, आपका ग्राम पंचायत गाइस। लेकिन ग्राम पंचायत में ज्यादा शेर शाह सूरी ने कोई सुधार नहीं किए थे, है ना, तो इसके बारे में ज्यादा आपको उल्लेखित भी नहीं है। अब गाइस जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई हैं ये, है ना, जितना भी आपको एक आउटलाइन आपको दिया है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको हम एक एक करके आप क्या करते हैं, डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था शेर शाह सूरी का बात करते हैं, शेर शाह का प्रशासन की जब मैं बात करता हूँ तो गाइस शेर शाह राज्य के निर्माता एवं प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी माना जाता है गाइस, यानी अकबर का प्रीसीडर माना जाता है, यानी उसने काफी सुधार यहाँ पे प्रशासन में किए हैं गाइस, तो इसलिए मैंने बोला है इनको प्रशासन के सुधारक के रूप में जाना जाता है, प्रशासन के सुधारक के रूप में इसको जाना जाता है गाइस। एक चीज
मैंने आपको बोला कि इसने कोई नई व्यवस्था लागू नहीं की, इसने इसको सुधार ही किया है। तो शेरशाह ने नई व्यवस्था नहीं दी बल्कि सतलज काल से चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था को ही सुधार कर उसको एक नया रूप दिया, एक न्यू लुक दिया गया। ठीक है, तो किया क्या कि जो पहले की जो कुछ सिस्टम थे जो थोड़े से खराब हो चुके थे या जिस पे व्यवस्था ठीक नहीं थी गाइस, उसी को उसने क्या किया, सुधार कर लिया उसी को। यहाँ पे एक हिस्टोरियन हुए हैं, बहुत ही फेमस है, उनके एक लाइन है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक कथन है क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है गाइस। तो कानूनगो ने शेरशाह को अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला और राष्ट्र निर्माता बताए हैं गाइस। प्लीज इसको याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं ये स्टेटमेंट कि किसने कहा कि जो शेरशाह सूरी है वो अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक और बुद्धि वाला और राष्ट्र निर्माता है गाइस। उसके बाद में डॉक्टर परमात्मा शर्मन और डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी के अनुसार शेरशाह व्यवस्था का सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं था गाइस। तो ये दोनों हिस्टोरियन की जो आपको स्टेटमेंट है ये याद रखने, तीन एक्चुअली में। कानूनगो के अनुसार जो शेरशाह सूरी था वो अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक और राष्ट्र निर्माता वाला था। डॉक्टर परमात्मा शरण और डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी की जब मैं बात करूं तो उन्होंने बोला कि ये व्यवस्था को सुधारक था, मौलिक व्यवस्थापक नहीं था। तो ये चीजें आपको याद रख लेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया शेरशाह सूरी का जो प्रशासन था गाइस वो क्या था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, CENTRAL, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था इसका। इसको आपको जरूर से जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है गाइस। अब देखो, शासन की समस्त शक्तियां शेरशाह के हाथ में ही थी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर जो बादशाह होता है गाइस, सबसे ऊपर बादशाह होता है, इसमें ही पावर सेंटर है, ये ही पावर सेंटर है, इसमें ही सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी बादशाह में निहित थी गाइस। मंत्री अपना निर्णय नहीं लेते थे, वे केवल आदेशों का पालन करते थे गाइस। प्लीज इसको याद रखना है, मंत्री जो थे वो अपना कोई डिसीजन नहीं लेते थे, यहाँ पे बॉस से ऊपर ऑर्डर आया उसी को वो इंप्लीमेंट कर देते थे। ठीक है, यानी जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जैसी व्यवस्था हो किसी भी देश में, उसके पास जब सारी शक्तियां निहित हो जाती हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो मंत्री अपना कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ जी सर ही बोलते थे। ऐसे ही जो मंत्री थे वो अपना स्वयं का कोई निर्णय नहीं लेते थे, वे केवल आदेशों का पालन ही यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे सतलज काल की भांति केंद्र प्रशासन भी चार प्रमुख विभाग थे गाइस, और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट थे। तो देखो, एक तो दीवाने वजारत, यह वित्त विभाग था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, अपने नोट्स में इसको नोट करते जाओ। दीवाने वजारत किसको बोलते थे, वित्त विभाग, वजारत से वित्त, ठीक है, वजारत से वित्त, याद रख लेना इसको। एक है दीवाने आरिज, सो गाइस दीवाने आरिज को मैंने आपको पहले भी बताया था, दीवाने आरिज ये एक सैन्य विभाग हुआ करता था गाइस। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि दीवाने आरिज है, ठीक है, ये किसने स्थापित किया था गाइस, दीवाने आरिज ये डिपार्टमेंट कौन स्थापित करके गया था गाइस। तो हमने पहले भी बात की है गाइस, दीवाने आरिज बलबन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक सतलजकालीन राजा था गाइस। ठीक है, तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसने कोई नई चीज नहीं की है, इसने क्या किया है, उसको सुधार किया है चीजों का। दीवाने आरिज सैन्य विभाग हो गया, यह सेना के संगठन, रसद, भर्ती, नियंत्रण आदि की देखभाल करता था गाइस, है ना, लेकिन सैनिकों की भर्ती में सेनापति का काम शेरशाह स्वयं किया करता था। एक होता था दीवाने रसालत, दीवाने रसालत जो डिपार्टमेंट था आपका वो कौन था, विदेश मंत्रालय को बोलते थे, किसको बोलते थे, विदेश मंत्रालय। सबसे पहले तो दीवाने वजारत, वित्त विभाग, दीवाने आरिज सैन्य विभाग हो गया, और दीवाने रसालत है वो आपका क्या हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया। एक होता है आपका दीवाने इंसा, दीवाने इंसा का मतलब क्या होता था गाइस, यह विभाग का मंत्री शाही घोषणाओं व आज्ञाओं को लिखता था गाइस, जैसे कोई भी अनाउंसमेंट करना है, कोई भी
नई चीज है उसको लागू करना है गाइस। तो इसका अनाउंसमेंट कौन करता था, कौन सा डिपार्टमेंट होता था? दीवाने इंसाफ। ठीक है, कोई भी नया कानून लाना है ना, कोई भी नई चीज को अनाउंस करना है, तो उसका सारा का सारा काम कौन करता था? दीवाने इंसाफ। दीवाने इंसाफ है वो सारा का सारा काम देखता था गाइस। उसके अलावा एक दीवाने काजी होता था गाइस। ठीक है, दीवाने काजी ये न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था। प्लीज इसको याद रखना, दीवाने काजी न्याय विभाग का प्रमुख, ठीक है, यानी जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। उसके अलावा गाइस दीवाने बरीद, बरीद का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया है, स्पाई होता था बेसिकली, गुप्तचर। क्या होता था? गुप्तचर, वह डाक विभाग का प्रमुख। ठीक है, तो ये भी दोनों मंत्री पद की समान थे। तो दीवाने काजी और दीवाने बरीद, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए इंग्लिश में, दीवाने काजी, ठीक है, काजी और दीवाने बरीद, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं आपके, तो इसको भी आपको याद रखना है। एक तो हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट होता था, एक हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड पोस्टल डिपार्टमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रांतीय शासन। ठीक है, तो हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया था गाइस कि जो शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है, जो साम्राज्य है गाइस, वो 47 सरकारों में बटा हुआ था गाइस। एक्चुअली में कोई प्रोविंशियल नहीं था, यहाँ पे सरकार बोला करते थे उसको। तो 47 सरकारों में बटा था, तो इसको आपको याद रखना है गाइस। तो डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह के समय प्रांत नहीं थे, अपितु समस्त साम्राज्य 47 सरकारों में बटा हुआ था गाइस। यह मत सही नहीं है, यह व्यवस्था सिर्फ बंगाल सूबों के लिए थी, क्योंकि प्रशासनिक सुविधा के लिए 47 सरकारों में बटा हुआ था गाइस। अब देखो यहाँ पे बंगाल के सूबे के सूबेदार के अधीन रखने के स्थान पर सरकारों में बांटकर केंद्र द्वारा नियुक्त सिकदारों को नियंत्रण में रखने के कारण बंगाल में बार बार होने वाले विद्रोह थे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या था कि पावर स्ट्रगल सब जगह चलता है गाइस। ठीक है, पावर स्ट्रगल, तो यहाँ पे इतने ज्यादा आपके पावर सेंटर हो गए थे, क्योंकि बहुत सारा बड़ा सूबा था गाइस, अलग अलग आपके यहाँ पे सूबेदार नियुक्त किए गए थे, है ना, उनको बोलते क्या थे, सिकदार। तो बहुत सारे सिकदार हुए, आप सबको प्रधानमंत्री यहाँ पे बनना होता है, हमारे यहाँ अभी भी बनना होता है। ठीक है, तो पावर के लिए कौन क्या नहीं करेगा, तो लोग आपस में लड़ते रहते थे गाइस। एक सिविल ऑफिसर होता था जिसका नाम है आपके अमीन ए बंगला या अमीर ए बंगला। ठीक है, ये बेसिकली सिविलियन ऑफिसर होता था जो कि इन सब पे नजर रखता था। याद रखिए गाइस, बंगाल का जो सूबा है वो सबसे बड़ा सूबेदार होता था, है ना, और यहाँ पे जो सूबे होते थे वो सिकदार के देखरेख में हुआ करते थे। बंगाल बहुत बड़ा था, तो बहुत बड़े होने के कारण वहाँ पे आपस में लोग लड़ते रहते थे। इन सब पे नजर रखने के लिए, यानी सिकदार की सहायता के लिए बोल सकती हूँ, अमीन ए बंगला या अमीर ए बंगला की क्या की गई थी, यहाँ पे नियुक्ति की गई थी। तो इसको आपको याद रख लेना है। अब देखो बंगाल के अतिरिक्त जो भी आपके किंगडम्स थे वो इक्तों में बटा हुआ था गाइस। ठीक है, और इक्ता को हम क्या बोलते थे, प्रांत ही बोलते थे गाइस, है ना। यहाँ तक कि एक चीज याद रखने की, यहाँ पे ये जो इक्ता सिस्टम था, यहाँ पे सबको समान इक्ता नहीं मिला हुआ था, यानी इनकी जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था, वो डिफरेंट हुआ करती थी गाइस। ठीक है, जैसे कि पंजाब में सूबे में सैनिक गवर्नर नियंत्रण रखते थे, बंगाल में हमने बात किया है, बंगाल में आपका क्या होता था, सिकदार हुआ करता था। पंजाब में हमने बात की, यहाँ पे जो सैनिक गवर्नर है उसके नियंत्रण में सारी चीजें रहती थी, बंगाल में क्या होता था, सिकदार होता था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखें। इसके अलावा इक्ता के गवर्नर को हाकिम, फौजदार या मोमिन कहा जाता था गाइस, प्लीज इसको याद रख लीजिए। इक्ता का जो गवर्नर होता था उसको हाकिम, फौजदार या मोमिन कहा जाता था गाइस। ठीक है, वो अपने अपने छोटे छोटे क्या रखते थे, सैनिक रखते थे, जो जिस इक्ता भूमि उनको दी होती थी, बेसिकली उनको लैंड दिया होता था, उनसे जो रेवेन्यू आता था उसको क्या करते थे, वो सेना रखते थे और बचा कुचा राजा की ट्रेजरी में भिजवा देते थे गाइस। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है सब। अब गाइस आगे जाने से पहले एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कीजिए।
मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने बताया। देखो, बंगाल में अलग व्यवस्था थी और रेस्ट ऑफ इंडिया अलग व्यवस्था थी। रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेस्ट ऑफ जो आपका उनका जो किंगडम था, रेस्ट ऑफ किंगडम, उसमें क्या थी, अलग व्यवस्था थी आपकी। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है, भूलना मत, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सब लोग। अब बात करते हैं गवर्नेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सरकार या जिलों का प्रशासन। तो हमने बात किया था गाइस, जस्ट स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था गाइस, प्लीज इसको ध्यान से दोबारा से सुन लीजिए। एकता होती थी वो सरकारों में विभक्त हुआ करती थी गाइस, ठीक है, मैंने क्या बोला है, एकता जो होती थी वो किस में विभक्त होती थी, सरकारों में। अब सरकार के दो मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकारी होते थे जिसका नाम है सिकदार ए सिकदारन, एक है मुंसिफ ए मुंसिफान, जिसको हम मुख्य मुंसिफ भी बोलते थे। तो दो ऑफिसर्स हैं गाइस, इनको जरूर आप याद रखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नोट इट डाउन, सिकदार ए सिकदारन, एक होता था आपका मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदार का कार्य क्या होता था गाइस, बेसिकली कानून व्यवस्था को देखता था और वह एक सैनिक अधिकारी भी होता था गाइस, है ना, या फिर फौजदारी न्याय के मामलों को देखता था। प्लीज इसको याद रखना है गाइस, यहाँ बंगाल के मुख्य सिकदार केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे, वहीं अन्य एकताओं के सिकदार की नियुक्ति इकतादार या फौजदार करते थे। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि बंगाल में एक अलग व्यवस्था है एंड रेस्ट ऑफ जो किंगडम है उसमें एक अलग व्यवस्था इन्होंने अपनी बना रखी थी गाइस, ठीक है। ऑफिशियल्स याद रहेंगे, सिकदार ए सिकदारन, मुंसिफ ए मुंसिफान। उसके बाद में गाइस जो चीफ मुंसिफ होता था गाइस, उसका काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, अकाउंटिंग एंड सिविल केसेस वर टू बी डिसाइडेड, राजस्व संग्रह लेखा जोखा रखता था, दीवानी मुकदमों का फैसला करता था गाइस, है ना। और सिकदार इस सिकदारन क्या करता था गाइस, फौजदारी के मामले देखता था, मुंसिफ ए मुंसिफान किसके देखता था, दीवानी के मामले देखता था गाइस, ठीक है। तो प्लीज उसको याद रखें। अब बात करते हैं परगनाओं का शासन गाइस। तो प्रत्येक सरकार होती थी वो आपकी परगनाओं में विभक्त हुआ करती थी, डिवाइडेड होती थी परगनाओं में। यहाँ जो परगने हैं या जिसको हम तहसील बोलते हैं, एक सिकदार होता था, एक अमीन होता था, अमीन मतलब मुंसिफ होता था, एक फौजदार होता था यानी खजांची होता था, ठीक है, तथा हिंदी व फारसी के दो कारकुन यानी लिपिक हुआ करते थे, यानी जिसको हम क्लर्क बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो जो आपका जितने भी परगने होते थे, है ना, जो सरकार है गाइस, जैसे आप यहाँ पे देखिए सरकार, सरकार किस में डिवाइडेड है, परगना, परगना किसको बोलते हैं, तहसील या टाउन को, और सरकार किसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट को। आज भी यही व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपकी तहसील होती है, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद में सिकदार का कार्य क्या होता था, जैसे मैंने पहले भी बताया है गाइस, है ना, कि वो लॉ एंड ऑर्डर को देखता था, बेसिकली कानून व्यवस्था को देखता था। मुंसिफ का कार्य भूमि के नाम झोंक में लगान वसूली में मदद करता था, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेवेन्यू कलेक्शन में मुंसिफ का कार्य काफी इंपॉर्टेंट है, काफी योगदान वाला रहा है गाइस। उसके बाद हम बात करें, मुंसिफ परगने में दीवानी मुकदमों का निर्णय भी ले सकता था, ये चीज भी याद रखनी है कि जो मुंसिफ होता था वो दीवानी मुकदमों में, है ना, वो निर्णय भी ले सकते थे। गांव गांव में चौकीदार, पटवारी, प्रधान की मदद से प्रशासन चलता था। आज भी होता है गाइस, आज भी आप देखेंगे तो गांव में पटवारी होता है, प्रधान होते हैं जो कि आपके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, विलेज ऑफिसर्स जिनको हम बोलते थे। तो ऐसे ही पुराने टाइम पे क्या होता था, पुराने टाइम पे आपका चौकीदार होता था, पटवारी होता था और प्रधान की मदद से प्रशासन पूरा का पूरा चला करता था गाइस। इसके बाद में हम देखते हैं कि शेरशाह ने ग्राम पंचायतों को उचित वैधानिक मान्यता दी, हालांकि बहुत ज्यादा छेड़खानी ग्राम पंचायत से की नहीं, फिर भी उनको रिकॉग्निशन है वो शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया था गाइस। स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत गांव के मुखिया को गांव के अपराध का पता लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था, ठीक है। तो प्लीज इसको सब लोग याद रखिए, स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत गांव के मुखिया को गांव के अपराध का पता लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। आज भी होता है ऐसा कि एक किसी को हम
रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम गांव का दायित्व सौंपते हैं कि भाई आप गांव की ध्यान रखिए, आज भी ये सिस्टम चलता है। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? तो एक बार आप सब लोग शेयर और लाइक फटाफट से करते जाइए गाइस। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कीजिए एवरीवन, जल्दी से लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फटाफट से आप सब लोग इसको लाइक और शेयर करते जाओ। अब देखिए वित्तीय भू राजस्व की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल लैंड रेवेन्यू था उसका मेन स्रोत क्या था, जैसे कि आपको बताई है कि राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत होता था वो भूमि कर था, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लोगों से लगान वसूल करके ही उनके घर चलते थे, मतलब उनकी दुकान चल रही थी बेसिकली। ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है गाइस। शेरशाह की लगान व्यवस्था का मुख्य रूप रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था, मूल में बटाई प्रथा जारी रखनी, मुल्तान में बटाई प्रथा ही जारी रखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेरशाह सूरी का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो कैसा था, रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी सिस्टम है गाइस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा है। रैयतवाड़ी सिस्टम का मतलब होता है कि रैयत मतलब क्या होता है, किसान और जो सेंटर है, किसान और जो सरकार है, जो भी आपका राज्य है उसके बीच में डायरेक्ट लिंक है, कोई बिचौलिया नहीं है यहाँ पे। जो किसान होता था यानी जो रैयत होता था वो डायरेक्टली अपना रेवेन्यू है वो ट्रेजरी में पे करता था, यानी ट्रेजरी में रखवा देता था गाइस। ठीक है, तो इसको आप सब लोग बहुत अच्छे से याद रखिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये बैक टू बैक ईयर है जो आपसे पूछी जा रही है ना, तो इसको याद रखना। भू राजस्व निर्धारित करते समय अधिकारियों को उदार रहने के आदेश दिए थे, लेकिन भू राजस्व को कठोरता से एकत्रित कराया जाता था गाइस। ठीक है, यानी जो दे रहा है उसको बहुत लिबरल तरीके से वो ले लेते थे, लेकिन जो नाटक करता था उसको फिर वो मार मार के हनुमान जरूर बनाते थे। ठीक है, लिबरल भी थे और कठोर भी थे, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी। ठीक है, जो आराम से दे रहा है उससे तो ले लिया, लेकिन जो तीन पांच करता था गाइस उसको फिर ये मार मार के क्या बना देते थे, हनुमान। ठीक है, भू राजस्व के लिए है ना, एक क्या कहा गया था गाइस, एक फसलों की दर की सूची बनाई गई थी, यानी एक रेट लिस्ट बनाई गई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो एक फिक्स रेट हुआ करता था, अब वो फिक्स रेट क्या था उसको भी हम देख लेते हैं गाइस। एक चीज और याद रखना है गाइस, कृषकों को सरकार की ओर से भूमि का पट्टा दिया जाता था गाइस, है ना, इस पट्टे को हम कबूलियत पत्र बोलते थे। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाया भी है आपको कबूलियत के बारे में, है ना, जिसमें किसान के उत्तरदायित्व लगान की दर निश्चित होते थे गाइस। ठीक है, यानी उसकी ओनरशिप दी जाती थी और उसमें ये लिखा जाता था कि भाई आप इतना रेंट है वो पे करेंगे। अब देखो मुल्तान में जो सिस्टम था गाइस वो अलग था। मुल्तान में क्या सिस्टम था, मुल्तान में जो सिस्टम था वो बेसिकली क्या था, ये मैंने आपको अभी बताया है, मुल्तान में जो सिस्टम था वो बेसिकली एक अलग होता था आपका, है ना, वो था शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था। ठीक है, यानी मूल में बटाई प्रथा है वो जारी रखी थी, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में वो रैयतवाड़ी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो रेवेन्यू लिया करते थे। अब यहाँ पे मुल्तान को छोड़ के यानी एक्सेप्ट द मुल्तान, भू राजस्व उपज का 1/3 होता था, 1/3 है वो आपका उपज का होता था। ठीक है, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी आपकी प्रोड्यूस होती थी, जो भी आपकी फसल होती थी उसका 1/3 है वो किसका होता था, भू राजस्व में वो ले लेते थे। जबकि मुल्तान में उपज का 1/4 हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। मुल्तान में कितना किया जाता था, 1/4। देखो दोबारा से देखो, मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। रेस्ट ऑफ इंडिया में 1/3 हो रहा है, जितना भी आपका उपज हो रहा है उसका 1/3 आपको सरकार को देना है, मतलब किंगडम को देना है। मुल्तान में जहाँ पे आपका बटाई सिस्टम था आपका, है ना, वहाँ पे 1/4 हो रहा है। लगान के अतिरिक्त किसानों को भू राजस्व का 2.5% जरीबाना यानी सर्वेक्षण शुल्क एवं 5% महाशिलाना यानी कर संग्रह शुल्क नामक भी देने पड़ते थे। देखो 1/3 तो दे दिया, 1/3 में 2.5 और ऐड करो प्लस 5% और ऐड कीजिए,
इतना टोटल उनको देना पड़ता था गाइस, इतना टोटल तो रिवेन्यू के रूप में सेठ सासुरी के टाइम पे चलता था गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हमारे भी सिस्टम होता है गाइस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं, अभी कोई GST लग रहा है, कोई सेस लग रहा है, कहीं पे सरचार्ज लग रहा है, तो उसी तरह उनका भी ये सिस्टम हुआ करता था। उसके बाद में शेरशाह ने अकाल एवं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए 2% सैर प्रति बीघा का अतिरिक्त टैक्स लगाया, आज भी होता है गाइस, ठीक है। आज भी आप देखेंगे तो आपको 1% या 2% एक्स्ट्रा ये टैक्स लगाए जाते हैं गाइस, एपिडेमिक लगा दिया आपको, सैस सरचार्ज लगाए जाते हैं गाइस, ठीक है। तो ये सैच और सरचार्ज वाले कम काम आते हैं गाइस, जब कोई प्राकृतिक आपदा हो ये सब होती है गाइस, है ना। तो 2% आप अतिरिक्त ऐसे समझ सकते हैं कि ये सैस और सरचार्ज है आज का, यानी किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए जो लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सैस, ठीक है। और टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सरचार्ज बोलते हैं गाइस। उपज के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा जाता था गाइस, गुड, मीडियम और पुअर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। उपज के आधार पर भूमि को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। एक है अच्छी, एक है मध्यम और एक है खराब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको सब लोग याद रखिए, अच्छी, मध्यम और खराब, ठीक है। जो भू राजस्व है गाइस वो अनाज के रूप में लिया जाता था गाइस, ठीक है, अनाज के रूप में भी लिया जाता था गाइस, लेकिन वो बोलते थे कि यार कैश दो तो ही ज़्यादा अच्छा। जैसे आजकल आप नहीं जाते, जैसे कि दुकान पे गए शॉप पे, तो वो क्या बोलता है कि यार पेटीएम कर दो तो ही ठीक रहेगा, है ना, कि लेने देने का झंझट ही खत्म है गाइस। इसी तरह वो बोलते थे कि भाई यार कैश दे दो तो ठीक है, ये अनाज वगैरह तो आप ही रख लीजिए, है ना, लेकिन अनाज कैश और काइंड दोनों में वो पे कर सकते थे गाइस, कैश एंड काइंड दोनों में वो अपना रेवेन्यू है उसको पे कर सकते थे। अब देखिए शेरशाह सूरी ने बेसिकली नाप के लिए सिकंदरी गज, ठीक है, सिकंदरी गज का क्या किया है, प्रयोग किया है गाइस। अब देखो सिकंदरी गज का मतलब क्या है, 39 अंगुल है और 32 इंच एवं सन की रस्सी का जरीब के रूप में प्रयोग करते थे गाइस। जरीब मतलब फित्ता होता है ना आज, इंची टेप जिसको बोलते हैं, जो जिससे हम नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं गाइस, ठीक है, उसको हम जरीब बोलते थे गाइस, जरीब से नापा करते थे गाइस, है ना। शेरशाह ने अहमद खां के सहयोग से कृषि एवं बंजर भूमि का नाप भी करवाया गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जो अहमद खां हैं उनकी मदद से उन्होंने एग्रीकल्चर और बैरन लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है और बैरन लैंड है उसका भी मेजरमेंट कराया गाइस। यहाँ पे लगान निर्धारण की 3 प्रणालियां हैं वो फिक्स, एक तो गल्ला बख्श अथवा बटाई, एक नक्श मुक्ताई या कनकुत, एक नकदी जपदी और जमाई, प्लीज इसको याद रखिए, गल्ला बख्शी अथवा बटाई, ये आपसे पूछे जाएंगे गाइस, ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो गल्ला बख्शी अथवा बटाई, नक्श मुक्ताई या कनकुत, नकदी जपदी या जमाई, ये आपकी क्या होती थी बेसिकली कैटेगरीज होती थी, है ना। उसके बाद में गाइस हम पढ़ते हैं करेंसी यानी मुद्रा, शेरशाह सूरी की मुद्रा के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए आप सब लोग। अब मुद्रा की बात करते हैं गाइस, तो नई मुद्रा व प्रचलन के करों में सुधार किया, और शेरशाह सूरी के टाइम पे यहाँ पे क्या था आपका 23 टकसाल हुआ करती थी गाइस, ठीक है, 23 टकसाल हुआ करती। एक इन्फॉर्मेशन गाइस और रह चुकी है आपकी, कि हमने बताया था कि किसानों में जप्ती और जमाई प्रणाली सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, और यहाँ पे गाइस क्या करते थे, वो राजस्व अधिकारी होते थे, रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, रेवेन्यू ऑफिसर की क्या करते थे, वो ट्रांसफर भी कर देते थे। ऐसा नहीं है कि एक ऑफिसर एक ही जगह पे रहेगा, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, है ना, हर 2 साल आफ्टर 2 ईयर, जैसे आज भी करते हैं ना हम सिविल सर्वेंट का ट्रांसफर करते थे, आफ्टर 2 ईयर वो क्या करते थे, उनका ट्रांसफर कर देते थे गाइस, यानी उनका क्या कर देते थे, स्थानांतरण कर देते थे गाइस। लेकिन फिर भी जो भ्रष्टाचार है वो कम नहीं होता था, है ना, आज भी कहाँ मानते, कहीं पर ट्रांसफर कर दो वहाँ जाके ले लेंगे हम, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही पहले होता था, इनके ट्रांसफर भी कर दिए जाते थे लेकिन फिर भी उनको घूस तो लेनी ही होती थी। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने पुराने मिश्रित धातु के सिक्के के स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्के चलाए गए। तो आपसे पूछ सकता है
कि शेरशाह सूरी के सिक्के कौन कौन से थे, तो सोने चांदी और तांबे के सिक्के थे गाइस। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया जो कि 180 ग्रेन का होता था, है ना। और तांबे का दाम और रुपया, ठीक है, दाम 360 ग्रेन का होता था और चांदी का होता था वो 360 का, और चांदी का जो होता था गाइस वो 180 का। तो दो चलाए उसने, दो सिक्के चलाए, एक तो था रुपया, रुपया एक था आपका दाम। तो रुपया होता था गाइस, रुपया जो होता था वो कितना होता था, 180 ग्रेन का होता था, 180 ग्रेन। और जो दाम होता था गाइस वो 360 ग्रेन का होता था, जो दाम होता था वो 360 ग्रेन का होता, रुपया 180 ग्रेन का और जो दाम होता था वो 360 ग्रेन का होता। तो प्लीज इसको याद रखना। उसने दाम के आधे, चौथाई व 16वें भाग के सिक्के भी चलाए। प्लीज इस ये जो पीपीटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीटी है गाइस, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि शेरशाह सूरी के सिक्के के नाम बताओ। तो दाम और रुपया ये थे शेरशाह सूरी के सिक्के, तो इसको भी आपको याद रखना है गाइस। इतना क्लियर है। और यहाँ पे रुपया नाम का जो सिक्का होता है गाइस वो सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही चलाया था, और इसमें 175 ग्रेन की प्योर सिल्वर हुआ करते थे। क्लियर एवरीवन? तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको देख लीजिए एक बार कि उसने 175 ग्रेन का प्योर सिल्वर का सिक्का चलाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक स्मिथ नाम के आप हिस्टोरियन हैं गाइस, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। सन 1835 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी इसे चालू माना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्मिथ ने क्या लिखा है कि जो रुपया था, है ना, आज भी हम रुपया बोलते हैं ना गाइस, है ना, तो इसी तरह से शेरशाह सूरी का भी चला था, और ब्रिटिश जो मुद्रा प्रणाली है गाइस उसका ये बेस बना था, यानी उसका ये आधार भी बना था। ये चीज भी हमें याद रखनी। शेरशाह सूरी के सिक्कों पर जो अरबी और देवनागरी दोनों ही लिपि का यूज हुआ है गाइस, ठीक है, तो याद रखिए अरबी प्लस देवनागरी, देवनागरी, अरबी और देवनागरी दोनों का ही क्या है, उपयोग हुआ है गाइस, उपयोग आपका हुआ है, तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। सिक्कों में अरबी के साथ नगरी लिपि का भी प्रयोग किया गया है गाइस, ठीक है, और वह प्रथम मुस्लिम शासक था गाइस, जहां पे जो शेरशाह सूरी है गाइस वो प्रथम मुस्लिम शासक था गाइस जिन्होंने नगरी लिपि का प्रयोग किया है गाइस, नगरी लिपि का प्रयोग करने वाला आपका पहला शासक था गाइस, ठीक है। और स्टार्टिंग में गाइस जो शेरशाह सूरी के जो सिक्के होते हैं उस पे खलीफाओं के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे गाइस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके जो कॉइन्स थे गाइस, एक तो रुपया, एक दाम, ठीक है, एक 175 ग्रेन का होता था, ऑलमोस्ट एक 360 ग्रेन का होता था गाइस, ठीक है। अरबी और देवनागरी दोनों लिपियां अंकित होती थी, ठीक है, नगरी लिपि का प्रयोग करने वाला पहला शासक था गाइस, और कुछ सिक्कों पर इसने खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो ये तो हो गया सिक्कों की बात, अब बात कर लेते हैं लॉ एंड जस्टिस सिस्टम की, कानून एवं न्याय व्यवस्था की। तो शेरशाह सूरी था गाइस वो एक न्यायप्रिय शासक था गाइस, यानी जुडिशियल जस्टिस लविंग रूलर था। उसने सुल्तान अल उल अदल की उपाधि क्या है धारण की थी, और वह बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करता था गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैंने पूछा भी है, सुल्तान अल उदल की टाइटल किसने धारण किया। तो टोटल मैं आपको चार पांच टाइटल बता चुका हूँ ऑलरेडी शेरशाह सूरी के बारे में, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने का, ठीक है। वेडनेसडे को ये सारे के सारे जो है वो न्याय है वो किया करता था, ठीक है। और उससे पहले मैंने आपको बताया था मुंसिफ ए मुंसिफान दीवानी मामलों का निर्णय करते थे, जबकि फौजदारी मामलों का निर्धारण सिकदार ए सिकदारन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस ये दो ऑफिसर काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो मुंसिफ
मुंसिफ जो कि आपके दीवानी मामले, और एक आपका सिकदार। तो याद रहेगा, सबको याद रखना है मुंसिफ और सिकदार, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। मुंसिफ तो देखता था आपके दीवानी, और ये आपके देखता था फौजदार सिकदार। तो इसको आपको याद रखना है। गांव के मुकदमे का फैसला ग्राम पंचायतें ही करती थी, जैसे आज भी बहुत सारी ग्राम पंचायतें एक्टिव हैं आपकी। न्याय व्यवस्था थी गाइस वो काफी कठोर हुआ करती थी गाइस, है ना, काफी दंड उनको मिलता था, रिजिड थी गाइस, है ना। अब गाइस जो लोकल आपका प्रशासन है, स्थानीय उत्तरदायित्व के तहत जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था वह शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी उसे ही होता था गाइस, ठीक है। यानी एक विलेज ऑफिसर है बेसिकली, जिसको हम चौधरी या मुकदम बोलते हैं गाइस, है ना। तो जिसको आज भी होता है चौधरी, या उसको बोलते थे मुकदम, ठीक है, मुकदम। इनके ऊपर पूरा का पूरा जो ग्राम है उनका जिम्मेदारी होता था। चोर लुटेरों को पकड़ने का जिम्मा भी इनके पास ही होता था। अगर ये नहीं पकड़ पाते थे गाइस चोर लुटेरों को, तो इनके साथ क्या किया जाता था पता है? जिस वस्तु को चोरी किया गया उसकी क्षतिपूर्ति इनको करानी पड़ती थी। मतलब पूरा का पूरा जिम्मेदारी इनको दे रखी थी गांव की कि भाई कोई भी चोरी होगी तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपसे वसूली की जाएगी, ये याद रखना है। अब देखो, शेर शाह सूरी ने दान ए लंगर की स्थापना कराई, जिसको हम भोजनशाला भी बोलते हैं, जिसमें गरीबों को मुफ्त भोजन दिया जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो शेर शाह सूरी है गाइस उसने क्या किया, दान ए लंगर, ठीक है, उसने दान ए लंगर की व्यवस्था भी की। दान ए लंगर का मतलब है भोजनशाला की स्थापना उसने कराई, जहां पे गरीबों को क्या दिया जाता था, मुफ्त में दान दिया जाता था। अब यहाँ पे एक अब्बास खान सरवानी है गाइस, है ना, उसने कानून व्यवस्था के बारे में ये लिखा है कि एक बार एक वृद्ध स्त्री सर पर स्वर्ण आभूषणों की गठरी लेकर निकल पड़ी, लेकिन किसी चोर ने उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं की गाइस। देख सकते हो एक बार अब्बास खान सरवानी क्या लिखते हैं, अब्बास खान सरवानी लिखते हैं कि एक बार क्या होता है, एक महिला, एक लेडी सर पे गठरी रखे हैं, बहुत सारा सोना चांदी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी कोई मजाल नहीं है जो उस महिला को टच करते। ये था आपका सिस्टम। आज आप देखिए, आज आप 10 रुपये भी किसी को दिखा दोगे ना तो आपको छीन के चला जाएगा वो, ना। और उस टाइम आप देखिए कि सोना चांदी भरा है, गठरी ले जा रही है अम्मा, लेकिन कोई टच नहीं कर रहा है। तो ये इतना अच्छा उनका सिस्टम यहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मिलिट्री सिस्टम की। मिलिट्री सिस्टम और बस काफी कम बचा है थोड़ा सा, और इसको कंप्लीट ही करते हैं अपन, है ना, इसको कंप्लीट करते हैं गाइज। एक बार आप सब लोग इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, फटाफट से आप सब लोग एक बार लाइक और शेयर करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए गाइज, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। तो यहां पे देखो आप मिलिट्री व्यवस्था, मिलिट्री सिस्टम, सैन्य व्यवस्था। तो यहाँ पे जो शेर शाह है गाइस, है ना, शेर शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की भांति हुलिया नोट करने व घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। जैसे हमने बात किया था गाइस दाग एंड हुलिया, ठीक है, दाग एम हुलिया, दाग एम हुलिया सिस्टम है वो किसके द्वारा लागू किया गया था, दाग एम हुलिया जो सिस्टम है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन शेर शाह सूरी भी उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सैनिकों को नगद वेतन एंड अधिकारियों को जागीर दी जाती थी, बेसिकली आपका जो दिल्ली सल्तनत का जो सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम, ऑलमोस्ट वही है गाइस, है ना। डाक चौकी एवं गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष पर दरोगा डाक चौकी की नियुक्ति की गई, प्लीज इसको भी याद रखना है, डाक चौकी और दरोगा ये डाक चौकी की नियुक्ति वो करते हैं। उसके बाद रोड और सड़कें, ऐसा मनाया जाता है कि गाइस बहुत सारी सराएं हैं जो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। शेर शाह सूरी ने एक रोड बनाई थी आपकी, है ना, बताओ कौन कौन सा बनाया था जल्दी से, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड का नाम सुना है, उसने 4 फेमस रोड बनाई थी,
आप एक बार मेरे को कमेंट करके उनके नाम बता दो कि शेर शाह सूरी ने कौन कौन सी चार प्रमुख रोड बनाई थी, चार प्रमुख सड़क कौन कौन सी बनाई थी। तो गाइस चार प्रमुख सड़क कौन कौन सी थी आपकी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो देखिए, बंगाल में सोनार गांव से लेकर दिल्ली, लाहौर, पंजाब और अटक तक आधुनिक समय में यह ग्रांड ट्रंक रोड कहलाती है। इसको पहले सड़क ए आजम कहा जाता था गाइस, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड काफी फेमस है गाइस, है ना। ग्रांड ट्रंक रोड GTR कहाँ से, बंगाल के सोनार गांव से लेके, है ना, लाहौर, दिल्ली, पंजाब में अटक तक ये बनाई थी। दूसरी क्या थी आपकी, आगरा से मांडू होते हुए बुरहानपुर तक उन्होंने सड़क बनाई। एक सड़क उनकी बनाई थी आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक सड़क बनाई, एक लाहौर से मुल्तान तक उन्होंने सड़क बनाई। तो आपसे पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी की चार प्रमुख सड़कें कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं गाइस। एक तो ग्रांड ट्रंक रोड, एक आगरा से मांडू होते हुए बुरहानपुर तक, एक आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक, एक लाहौर से मुल्तान तक की सड़क उसने बनवाई थी, है ना। शेर शाह सूरी ने 1700 सरायों का निर्माण भी करवाया था गाइस। आपसे ये प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि शेर शाह सूरी ने कितने सरायों का निर्माण कराया। टोटल बात करें तो शेर शाह सूरी ने 1700 सराय हैं उनका निर्माण आपका करवाया था गाइस, ठीक है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग रसोई की व्यवस्था होती थी। कई बार होता है ना कि हमारे समाज में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसने क्या किया भाई, हिंदू के लिए अलग से रसोईया होगा और मुसलमान के लिए अलग से रसोई होगा, वेज के लिए अलग से और नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग से होगा। कानून गो है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, उन्होंने काफी कुछ लिखा है शेर शाह सूरी के बारे में। तो कानून गो ने क्या बोला, इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां बोला जा सकता है, आर्टरीज ऑफ द बॉडी ऑफ द एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो ये किसने बोला, द आर्टरीज ऑफ द बॉडी ऑफ द एम्पायर, कानून गो ने। क्यों, क्योंकि आप देखो कि 1700 सराय उसने बना दी। सराय क्या होती है, बिल्कुल जैसे आपका ये रोड, तो यहाँ पे सराय है आपका, सराय हर 2-3 किलोमीटर पे उसने सराय बनाई, उनको बोलते हैं रेस्ट हाउस। जैसे जो मुसाफिर हैं, जो राहगीर हैं, थक जाते हैं बीच में, तो इन सरायों में क्या कर सकते हैं, वो आराम कर सकते हैं गाइस, ठीक है। चल ये हो गया, उसके बाद में बिल्डिंग की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं सतलत का आर्किटेक्चर आपको कल से अलग से करवाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। हम भवन की बात करें तो शेरशाह ने सहसराम में अपना मकबरा बनाया, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, और यह है मकबरा चारों ओर पानी से घिरा, ठीक है। जैसे ये मकबरा है आपका, तो यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, वाटर वाटर एवरीवेयर, ठीक है। जलमहल, ठीक है। कनिंगम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है गाइस, ठीक है। और उत्तर पश्चिमी सीमा में झेलम नदी पर रोसातगढ़ नामक एक किला बनाया। तो सबसे पहले तो देखिए, सहसराम में अपना मकबरा बनवाया, ठीक है, झेलम नदी के किनारे रोहतासगढ़ नाम का किला बनाया, जो कि मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। कल बहुत अच्छे से मैंने समझाया था आपको कि रोहतासगढ़ में उन्होंने अपना जो किला है उसका निर्माण करवाया था गाइस। तो प्लीज इसको भी आप सब लोग याद रख लेना है, भूलना नहीं है, ठीक है। व्यापार की हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे क्या होता था, शेरशाह ने जो प्रांत होते थे वहाँ पे, या आपकी बेसिकली रोड होती है गाइस, वहाँ पे चुंगी होती है। चुंगी का मतलब होता है टोल टैक्स लेते हैं, तो एक चुंगी को हटाकर दो चुंगियां लगाई गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, एक राज्य में व्यापारिक वस्तु के प्रवेश करते समय दूसरी उसकी बिक्री के समय, ठीक है। यानी दो स्टेट है, जैसे मैं आपसे बात करूंगा इस यहाँ पे, जैसे चुंगी क्या होता है बेसिकली, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा है, ये हरियाणा स्टेट है, एक आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान। तो यहां से आपकी गाड़ी निकली तो एक चुंगी तो आपको यहां पे लगेगी, पहला एक आप यहां पे घुसोगे, एक चुंगी यहां पे लगेगी, तो दो चुंगी कर दी उन्होंने, ठीक है। एक यहां पे लगेगी, एक यहां पे लगेगी, कि एक हरियाणा से निकले आप और एक राजस्थान में जब घुसोगे तब लगेगी। तो इस तरह की दो चुंगी है गाइस उन्होंने लगा दिया गाइस, है ना। इससे उनका गाइस जो ऑक्ट्रॉय टैक्स है, यानी उनका जो व्यापार है, है ना, उसमें भी वृद्धि हुई और आप उनका जो लगान है वो भी बढ़ा, ठीक है।
मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में पद्मावत की रचना में शेरशाह के काल में 1540 में पूरी की गई पद्मावत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्मावत। आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मावत की रचना किसने की गई, तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। किसके बारे में लिखा हुआ है गाइस, सबको पता है ना, रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह की जो स्टोरी है बेसिकली, अलाउद्दीन खिलजी का जो अटैक है, चित्तौड़ वाला अटैक 1303 में जो चित्तौड़ पे अटैक हुआ था, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। तो सब लोग इसको जरूर याद रखिए और भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये था गाइस आज का सेशन, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब क्वेश्चन करने का टाइम तो हमारे पास अभी बचा नहीं है, तो क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा गाइस, अगर पसंद आया तो एक बार सब लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, फटाफट से एक बार सब लोग आप लाइक और शेयर कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम के लिए गाइस। अब देखिए, अब थोड़ा सा बात हम करते हैं गाइस अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो गाइस आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो, डिटेल से पढ़ना है आपको, सारी चीजों को डिटेल से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, है ना। हर वेडनेसडे को आपके लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कल से भी आपके बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट होंगे, तो इनको आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में गाइस 15 तारीख से आपकी फीस बढ़ने वाली है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है थोड़ा सा जल्दी करके ज्वाइन करें आप सब लोग। 6 मंथ का लेंगे तो 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा, 12 मंथ का लेंगे तो भी 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस आइकोनिक जो भी लीजिए हर में आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा यहाँ से मिलने वाला है गाइस। उसके बाद में आइकोनिक या प्लस आप जो भी लीजिए, प्लस की मैं बात करता हूँ तो 12 मंथ या 6 मंथ का भी बेस्ट है, क्योंकि 2 मंथ का यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। रेफरल कोड अप्लाई आप मेरा कर देंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ से मिल जाएगा, तो जो 13,750 फीस है वो 12,375, यानी इंस्टेंट आपको 10% डिस्काउंट यहाँ से मिल जाता है गाइस। उसके बाद में आइकोनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं, 12 मंथ का आप ज्वाइन करेंगे तो CU10 आपका रेफरल कोड है, और जैसे आप उसको लगाएंगे तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, और यहाँ भी आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा, 6 मंथ में भी 2 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा। फायदे क्या होंगे प्लस और आइकोनिक के, आप देखिए आइकोनिक लेते हैं तो पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशन, SOPs एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटीरियल, ये सब आपको मिलता है आइकोनिक में गाइस। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कोर्स ऑन द पेपर 1 हिस्ट्री, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपका लॉन्च कर चुका हूँ, तो जिसको भी ज्वाइन करना है गाइस जल्दी से कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद में गाइस इस सेशन में अगर आपको कुछ दिक्कत लगी हो, कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके, डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है वहाँ से जाके बता सकते हैं कि सर इसमें ये थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसीज हैं या कुछ गलत कंटेंट है। उसके बाद में गाइज ये मेरी क्लासेस का शेड्यूल है, प्लस क्लास आपकी 10 बजे होती है, स्पेशल क्लासेस आपकी 7:30 बजे होती हैं, है ना, शाम को 9 बजे आपका हायर एजुकेशन, शाम को 4 बजे पेपर 1 की स्पेशल क्लास, और 7 बजे हिस्ट्री का। अनलॉक जो कोड है मेरा वो है CU10, अनलॉक कोड क्या है मेरा CU10 है, और इस कोड को आप यूज़ करके जितनी भी क्लासेस हैं उनको फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और ये प्रोफाइल है मेरा, अगर आप ने मुझे फॉलो नहीं किया गाइस तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए, इसके बाद आपकी जितनी भी क्लासेस हैं उनके रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच, है ना, और आज के लिए इतना ही है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप सब। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। और क्लास के खत्म होने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको सेशन, और एक बार फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही है, बाकी चीज़ें हम कल कंटिन्यू करते हैं।